Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. My name is Neha Chauhan. I'm from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I'm an English teacher and today we'll continue our chapter Nina and the Baby Sparrows. We'll do the textbook question and answers. Okay, let's continue. Okay, so we were on the chapter Nina and the Baby Sparrows. हमने इस chapter के अंदर पढ़ा था कि नीना के जो room के अंदर थे वो baby sparrows थे और इसलिए नीना को वेडिंग में नहीं जाना था. और हमने देखा था कि कैसे नीना की मम्मी ने उसको आइडिया दिया और नीना अपने अच्छे से वेडिंग भी अटेंड करके आ गई अपनी आंटी की, और जो बेबी स्पैरोज़ हैं वो भी बड़े हो गए, अच्छे हो गए. तो अब आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो टेक्स्ट बुक के अंदर हैं. और जो नोटबुक के अंदर करने होंगे मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, मैं आपको इमेजेस सेंड कर दूँगी वीडियो लेसन के बाद. ओके, सो वील स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. रीडिंग इज़ फन. ओके, ये आपको बुक नोटबुक के अंदर करना है. अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपको जो है नोटबुक के अंदर जैसे मैं आपको लिख के इमेजेस दूंगी वैसे ही आपको नोट डाउन करना है. ओके, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज़ हाउस. नीना के घर में किस चीज़ की खुशी थी. तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा. देयर वाज Great joy in Nina's house because Nina's auntie was getting married and everyone in her family was going to Delhi for a wedding. नीना के घर में सब इसलिए खुश थे क्योंकि नीना की आंटी की शादी हो रही थी और सब उस शादी को अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Nina worried? नीना किस चीज़ से परेशान थी. अब जैसा कि हम जानते हैं नीना चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थी, तो हम क्या लिखेंगे, नीना वॉज़ वरीड बिकॉज इन नीना वॉज वरीड बिकॉज नीना वॉज वरीड बिकॉज देयर वॉज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन हर रूम एंड इफ दे ऑल गो टू द वेडिंग दे विल हैव टू लॉक द होल हाउस एंड द बर्ड्स विल डाई इफ दे वॉन्ट ईट द फूड. ठीक है, नीना इतनी दुखी क्यों थी. नीना इतनी परेशान इसीलिए थी बिकॉज नीना के कमरे के अंदर बुक शेल्फ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें दो छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया के. अगर वो सब शादी में जाते तो पूरा घर लॉक करते तो चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाना आता, उनके पेरेंट्स तो बाहर रहते, घर तो लॉक होता और बच्चे अंदर होते तो बच्चे मर जाते. तो नीना इसलिए परेशान थी कि वो शादी में कैसे जाएगी उन छोटे बेबी स्पैरोस को छोड़कर. ओके, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट. नीना की मम्मी ने क्या सजेस्ट किया. फिर जब नीना ने बताया मम्मी को कि मम्मी ये परेशानी है, मैं इसलिए दुखी हूँ, तो नीना की मम्मी ने उसे क्या सजेस्ट किया. नीना की मम्मी ने कहा, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड एंड वी विल लीव द विंडोज ओपन सो द मामा एंड पापा स्पैरोस कैन कम एंड गो फ्रीली. नीना की मम्मी ने कहा कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे कमरे से सारा सामान जो है वो बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे कमरे को बाहर से लॉक कर देंगे और जो खिड़की है तुम्हारे